लिया था पहले तो यहाँ सरल रोगन था, फिर आप लोग ये डाउट बताते थे ना, हम क्लियर करते जाएंगे। बताइए आप सबसे पहले क्या बताना। देखिए आप तो यहाँ पे टूल्स दिए रहते हैं, इसमें आपको यहाँ पे दिया रहता है फ्री एंड टूल, इससे ड्रॉप डाउन अगर आप क्लिक करते हैं इसके अंदर आपको और भी टूल्स देखने को मिल जाते हैं। इससे ड्रॉप डाउन अगर आप क्लिक करते हैं तो इसके अंदर आपके और भी टूल्स आते हैं, जिसमें से आपको एक टूल मिलता है यहाँ पे आर्टिस्ट मीडिया टूल, आप इस पर क्लिक करेंगे इससे यहाँ पे प्रॉपर्टी बार आपको देखने को मिल जाएगा। अब आप इसमें जो भी यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं, सबसे फर्स्ट रहता है प्रीसेट, इस पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप की स्टाइल आएंगे। सेकेंड आपका यहाँ पर रहता है ब्रश, इस पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप की ब्रश वाले स्टाइल आएंगे। थर्ड आपका यहाँ पे होता है क्या, ओके थर्ड आपका यहाँ पर रहता है इस पर क्लिक करेंगे इसके ड्रॉप डाउन एरो पे, फिर आप क्लिक करना तो यहाँ पे लिस्ट आपको देखने को मिल जाती है, जो भी प्रॉपर्टी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आप इसमें से जो भी आप यहाँ बनाना चाहते हैं, अपन ये कार्टून ले लेते हैं, आप इसको यहाँ पे ड्रैग कर देंगे आपके यहाँ पे बन के आ जाएंगे। अब आप चाहते हो अभी आप यहाँ से कई टूल सिलेक्ट कर रहे हो, इन्हें मूव करोगे अलग अलग मूव हो रहा, अगर आप चाहते हैं मतलब सॉरी एक साथ मूव हो रहा है, अगर आप इन्हें अलग अलग करना चाहते हैं तो देखिए अभी आपने इस पर क्लिक किया, अब आप क्या करेंगे आप यहाँ से जाएंगे आपके सिर्फ ये लाइन सिलेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। देखिए अभी ये लाइन सिलेक्ट है, अभी इस पर क्लिक कर रहे हैं ये सिलेक्ट हो रहा, अगर आपकी लाइन सिलेक्ट होगी तो कितने कितने डॉट आएंगे इस टाइप में, सिर्फ लाइन वाले आ रहे हैं, अगर बाहर कहीं पे आ रहे हैं ऊपर आ रहे हैं मतलब आपकी लाइन सिलेक्ट नहीं है। इसको सिलेक्ट करने के बाद इस लाइन को डिलीट कर देना, डिलीट करने के दो तीन ऑप्शन है, या तो कीबोर्ड से आप डिलीट की प्रेस कर दो तब भी डिलीट हो जाएगी, अभी अपन इस पर राइट क्लिक करते हैं तब भी आपको यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ये यहाँ आपके पास एक ऑप्शन है कि आप यहाँ से एडिट मेन्यू पे जाएं और यहाँ से आप डिलीट पे क्लिक कर दें, आप जिस भी टाइप से आपको डिलीट करना है वो लाइन आप डिलीट कर देना, डिलीट करने के बाद फिर से आप पेज टूल से इन सेव को यहाँ पे सिलेक्ट करना, फिर आप अरेंज पे जाएंगे तो ऑप्शन आ रहा है अनग्रुप, अनग्रुप पे अगर आपने क्लिक किया फिर खाली जगह पे क्लिक करेंगे, अब आप देखिए इसको आप मूव करेंगे तो ये साथ में मतलब अलग अलग स्टाइल से मूव हो रहा है, अब साथ में मतलब कि अलग अलग तो मूव हो रहा है लेकिन पूरा का पूरा एक साथ यहाँ पे मूव होके आ रहा है, ठीक है। क्योंकि अपन ने इसको क्या किया था, सिर्फ अनग्रुप किया था, अपन प्लस पे क्लिक करते हैं, अच्छा ये खाली जगह बिना दिए इसलिए आ रहा है, इसको डिलीट कर देते हैं पहले, ठीक है। अपन यहाँ से सिलेक्ट करते हैं फिर से आर्टिस्ट मीडिया टूल और इसमें इसमें यही वाला कार्टून अपन ने यहाँ पे भी बना दिया, देखिए आप पेज टूल सिलेक्ट करेंगे, आपने इस पर क्लिक किया, अरेंज पे जाएंगे, यहाँ से आप ब्रेक आर्टिस्ट मीडिया ग्रुप पार्ट पे क्लिक करना, लाइन आ जाएगी, आप इस लाइन पे क्लिक करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे कीबोर्ड से डिलीट कर देते, फिर अरेंज पे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे फिर अरेंज पे जाएंगे, अब अपन क्लिक करते हैं अनग्रुप और इस पर क्लिक किए खाली जगह पे क्लिक, अब देखिए अलग अलग हो गया, अगर आप अनग्रुप ऑल करेंगे तो पूरे तरीके से अलग अलग हो जाएगा, पूरा तो स्टूडियो था सिर्फ अनग्रुप, तो ये पूरा का पूरा आ रहा है इस टाइप से, कर लेंगे आप, आपको डाउट हो तो पूछ। नहीं वो डांस नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे बोलो, अभी आपको इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लिए फिर हम आगे बताएंगे। पैटर्न बनाने के लिए आपको किसी पिक्चर का पैटर्न बनाना है या शेप का, अपन यहाँ पे रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करते हैं, इसको यहाँ पे ड्रैग करते हैं, ठीक है। फिर अपन इसमें यहाँ पे कलर फिल कर देते हैं, जो भी कलर आपको इसमें फिल करना है, फिर यहाँ पे अपन ले लेते हैं एलिप्स टूल, इसको अपन यहाँ पे एलिप्स टूल तो अपन इसके ऊपर स्ट्राइप्स यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, एक आपका यहाँ पे ओवल टाइप का सर्कल आप बना लेना, सर्कल बनाना है सर्कल बन जाएगा, ओवल टाइप बनाना है तो वो बना लेना, ये बन गया। अब आप इसमें जो भी कलर फिल करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कर देना,
वो कलर इसमें फिल हो जाएगा। आप अपन से यहाँ पे ये सिलेक्ट है, देखिए प्रॉपर्टी बार में ऑप्शन कौन से आ रहे हैं, सर्कल वाले, इस पे क्लिक करेंगे तो रेक्टेंगल वाले आएंगे, जो आप सिलेक्ट करेंगे उसके ऑप्शन आ जाएंगे। अपन यहाँ से पाइप पे क्लिक कर देते हैं, ये सेफ चेंज हो जाएगा। इस पे एक बार और क्लिक करते हैं, इसको रोटेट कर देते हैं, आप अगर इस टाइप में जो इसमें एडिंग करना चाहते हो कर लेना, और नॉर्मल जैसा आपने पहले बनाया था उसी टाइप का बनाना चाहते हो उसी टाइप से रहने देना। अपन इसको इतना रखते थे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको पेज टूल की हेल्प से इन दोनों को साथ में सिलेक्ट करना, ठीक है, खाली जगह पे इस टाइप से क्लिक करना और इसको ड्रैग करना स्टार्ट करना, तो दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे साथ में। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का ग्रुप बनाएंगे, अरेंज पे जाना, आप ग्रुप पे क्लिक करेंगे, ग्रुप बन जाएगा। अब ग्रुप बनाने के बाद अब आप इसे सिलेक्ट करेंगे, पूरा साथ में सिलेक्ट करो। अब आप यहाँ से जाएंगे टूल्स पे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रिएट, इस पे माउस पॉइंटर लेके जाएंगे, पैटर्न का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आ रहा है फुल कलर, हाँ फुल कलर पे क्लिक करना, देन ओके करना। जैसे ही आप ओके करेंगे आपके पास एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन आ जाएगी, इसकी हेल्प से अपन इतना इतना एरिया सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही सिलेक्ट होगा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्रिएट पैटर्न विद सिलेक्टेड एरिया, आप इसको ओके कर देंगे तो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे नाम दे देना, हम इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे एस वाई जेड कर देंगे, ठीक है। फिर आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे, पैटर्न बन गया। अब अपन इसको सिलेक्ट करते हैं और डिलीट करते हैं। अब अपन यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल यहाँ पे बना लेते हैं। अब पैटर्न आपको जिसमें फिल करना है इसमें, ये सिलेक्ट नहीं है आपको, आप देखते हैं यहाँ पे आपको फिल टूल देखने को मिलता है, इसके ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है पैटर्न, आप पैटर्न फिल पे क्लिक करेंगे तो पैटर्न का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अपन चलते हैं फुल कलर, ड्रॉप डाउन एरो क्लिक करते हैं। अब आप इसे यहाँ पे स्क्रॉल करना तो जो पैटर्न आपने बनाया था वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये आप इसको सिलेक्ट करना, देन आप ओके कर देना, वो पैटर्न इसमें फिल होके आ जाएगा। इसका साइज आप यहाँ से छोटा बड़ा कर देना, बन जाए जैसे इसका बनाते हैं वैसे पिक्चर का बन जाए। पिक्चर तो बस अपन जरूरत नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि अपन एक ही पिक्चर तो बनाते हैं, डायरेक्ट आप टूल पे जाना और क्रिएट पे जाके पैटर्न पे क्लिक कर देना। अब अपन बनाते हैं एलजी का लोगो, उसके लिए आप यहाँ से लेफ्ट टूल सिलेक्ट करना, एक आप यहाँ पे सर्कल बनाना, ठीक है। बनाने के बाद आप कंट्रोल प्लस डी करेंगे, उसकी डुप्लीकेट कॉपी बन के आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। शिफ्ट की के साथ यहाँ पहले आप यहाँ माउस पॉइंटर लेके जाना, शिफ्ट की के साथ इसका साइज छोटा करना, तो ये इस टाइप से आपको साइज छोटा करके यहाँ पे दे देंगे, इसका साइज यहाँ पे छोटा हो जाए, आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। अब आप क्या करना, बाहर वाले सर्कल को सिलेक्ट करना, और सिलेक्ट किससे करेंगे, पे के टूल से। अपन इसमें यहाँ पर रेड कलर फिल कर लेंगे, उसमें कलर फिल करने के बाद अब आपको क्या करना है इसमें, हाँ वो रेड कलर है, वो आप इस पे यहाँ से क्लिक करना, इस पे सिर्फ क्लिक करे रहना तो ये स्ट्राइप पे डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए, और यहाँ से नहीं लेना तो फिर आप यहाँ से जाते हैं फिल टूल पे, जिसमें सबसे फर्स्ट आपका यहाँ पे रहता है फिल कलर, इस पे क्लिक करना, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे अलग अलग कलर पैलेट तो आपकी आई नहीं, आपको CMYK RGB जो भी लेना है सिलेक्ट करना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर आ जाएंगे। अब आपको इसमें से जो भी कलर यहाँ पे लेना है आप सिलेक्ट कर लें, इसमें से जो भी कलर आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं, हमें रेड कलर दोनों ही फाइनल है, यही ले लेते हैं, ये सही है, इसको ओके कर देते हैं। यहाँ पे बहुत कलर आपका फिल हो जाए, ठीक। अब आप क्या करना, अंदर वाला सर्कल यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसके बॉर्डर में कलर फिल कर देंगे, इसके लिए आप क्या करेंगे, वाइट कलर पे जाके राइट क्लिक करेंगे तो बॉर्डर में कलर फिल हो जाएगा। राइट क्लिक से बॉर्डर में होता है, क्लिक से सेम में होता है। अपन हेयर लाइन पे जाके इसकी विड्थ यहाँ से बढ़ा देते हैं, ऐड कर दीजिए, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे LG में कन्वर्ट करना है, ये जो अंदर वाला सर्कल है इसको करना है। इसके लिए आप देखिए यहाँ पे आपको पाई का साइन देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक करना, देखिए कट हो गया यहाँ से पाई शेप में। अब आप इस पर एक बार और क्लिक करना है, इसको रोटेट कर देना, यहाँ तो यहाँ से रोटेट कर देना, यहाँ सेलेक्ट करना और यहाँ पे डाल देना 90 डिग्री, तो ये रोटेट होके आ जाएगा। अब इसको अपन थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर लेते हैं, देखिए आ गया यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, ये आपका जी है, ये आपका एल है,